प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वह जंगल बहुत ही बड़ा था। इस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। सोनू चिड़िया ने 4 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन सोनू चिड़िया का घोंसला बहुत ही कच्चा था। वह घोंसला सोनू चिड़िया के अंडे का वजन भी उठा नहीं सकता था। सोनू चिड़िया बहुत फिक्रमंद थी। वो अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढती, लेकिन उसे जगह ना मिलती। अरे, इस जंगल में तो बहुत पक्षी पक्षी हैं। यहाँ तो एक भी दरख्त खाली नहीं है जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूं। सोनू चिड़िया बहुत दूर दूर तक जाती, मगर उसे अपना नया घोंसला बनाने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं मिलती। एक दिन सोनू चिड़िया को जगह ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वे सोनू चिड़िया बहुत ही उदास होती है। मैं क्या करूं? मुझे तो अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बरसात भी करीब है, मेरा घोंसला तो जरा सी हवा से हिल जाता है। बारिश कैसे बर्दाश्त करेगा मेरा घोंसला। सुबह हो जाती है। सोनू चिड़िया फैसला करती है, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने नए घोंसले की जगह ढूंढे बिना वापस नहीं आऊंगी। सोनू चिड़िया अपने घोंसले की जगह ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ जाती है और वह सोनू चिड़िया बहुत थक जाती है। सोनू चिड़िया को बहुत भूख भी लग रही होती है। बहुत थक गई हूँ, अभी तक मुझे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिली। तभी सोनू चिड़िया को जमीन पर कुछ दाना पड़ा दिखता है। सोनू चिड़िया बहुत खुश होती है। बहुत भूख भी लग रही है। अरे वाह, इतना सारा दाना, चलो इस दाने से मेरा पेट तो भर जाएगा। इस दाने से भोजन कर लेती हूँ, फिर मैं अपने घोंसले के लिए जगह भी ढूंढ लूंगी। सोनू चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भरती है और अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढने जा ही रही होती है कि उसे सामने ही जमीन पर एक पेड़ दिखता है। वे पेड़ अंदर से खोखला होता है। उस पेड़ को देखकर सोनू चिड़िया बहुत खुश होती है और सोनू चिड़िया कहती है, अरे चमत्कार हो गया, ये जगह तो बहुत ही चमत्कारी है। इस जगह मुझे दाना भी मिल गया और अपना नया घोंसला भी। इस पेड़ पे मैं अपने अंडे आराम से रख सकती हूँ, यहाँ मुझे कोई खतरा भी नहीं। अगले दिन सोनू चिड़िया अपने 4 अंडों को लेकर आ जाती है और उस दरख्त के अंदर तिनके से एक घोंसला बनाकर रहने लगती है। ये सब कुछ एक झाड़ियों पर बैठा बड़ा सा सांप देख रहा होता है। वे सांप बहुत ही बड़ा था। सांप को अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था, इसलिए वे सांप भूख के मारे अपने अंडों को ही खा जाता था और अपना पेट भर लेता था। ये चिड़िया यहाँ कैसे रहने आ गई? चिड़िया के अंडे तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। दिन बीतते गए। सोनू चिड़िया ने अपने घर में बहुत सारा दाना जमा कर लिया था। उसे अब कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि सोनू चिड़िया का घोंसला अब मजबूत था। वह सांप चिड़िया के अंडों को देखकर बहुत खुश होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। चिड़िया के अंडे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया के अंडों को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस चिड़िया से दोस्ती कर लूं, फिर मैं इस अंडों को आराम से खा सकता हूं। एक दिन वह सांप सोनू चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया बहन, तुम यहाँ नई आई हो? हाँ सांप भैया, मैं यहाँ नई आई हूँ। मगर चिड़िया बहन, यहाँ तो कोई पक्षी पक्षी नहीं रहता। चिड़िया बहन, यहाँ तो सिर्फ सांप बिच्छू रहते हैं। ये हमारा इलाका है। सांप भैया, आपका मतलब है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? सांप भैया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत मुश्किलों से ये जगह मिली है और वैसे भी इस जंगल में तो सारे जानवरों को हक है ना। अरे चिड़िया बहन, मैंने ऐसा कब कहा? तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तो तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। सांप भैया, जरूरी बात? वो क्या? सोनू चिड़िया, असल में बात ये है कि मेरी बीवी बहुत काम चोर है। वो अपने लिए भोजन तलाश नहीं करती, बल्कि मेरे अंडों को ही खा जाती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया बहन, मैं अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ।
सोनू चिड़िया, क्या तुम अपने अंडों के साथ मेरे अंडे भी रख सकती हो? सोनू चिड़िया बहुत नर्म दिल होती है। वो सांप को चिंतित देखकर उसके अंडे भी अपने घोंसले में रखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों में सांप और सोनू चिड़िया की दोस्ती हो जाती है और सोनू चिड़िया ने सांप को अपना भाई मान लिया होता है। सांप भैया, आप जरा मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं दाना लेकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूँगा। सांप चिड़िया के चार अंडे देखकर लालच में आ जाता है और चिड़िया के अंडों को खाने की तरकीबें सोचने लगता है। चिड़िया के अंडे तो बहुत स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं। इन अंडों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ दिन इंतजार करना होगा ताकि चिड़िया मुझ पर भरोसा कर ले और मैं उसके अंडे आराम से खा सकूं। कुछ दिनों बाद जब सोनू चिड़िया दाना लेने के लिए जा रही होती है। सांप भैया, आज मैं बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ सोनू चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान रखूंगा। सांप की बात सुनकर सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सोनू चिड़िया चली जाती है, वह सांप के मुँह में पानी आ जाता है। आज तो चिड़िया बहन बहुत दूर गई है, तब तक तो मैं चिड़िया बहन के अंडों को खाकर बहुत दूर भी चला जाऊंगा। सांप बहुत भूखा होता है। चिड़िया के चार अंडों को देखकर सांप सोचता है, इस चिड़िया के चार अंडों से मेरा पेट कैसे भरेगा। एक काम करता हूँ, अपने अंडे भी खा जाता हूँ। दूसरी तरफ सोनू चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है कि उसे अचानक याद आता है, अरे मैं तो अपने अंडों पर कपड़ा ढककर नहीं आई, रात तक तो सर्दी हो जाएगी, कहीं सर्दी की वजह से मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। सोनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। सांप अपने अंडे खाते खाते बहुत थक गया था, अब उसे चिड़िया के अंडों का जायका चखना था। सांप सोनू चिड़िया के अंडे खाने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर सोनू चिड़िया आ जाती है और सांप को अपने अंडे खाते हुए देख लेती है। सांप भैया, ये क्या कर रहे थे, मेरे अंडे खाने जा रहे थे। अरे नहीं चिड़िया बहन, तुम गलत समझ रही हो। सांप भैया, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था और तुम मेरे ही अंडे खा रहे हो। अरे जो अपने अंडे खा सकता है वो मेरे अंडे को क्यों छोड़ेगा, चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं चिड़िया, मैं तो तुम्हारे स्वादिष्ट अंडे खाऊंगा, तुम मुझे अपने अंडे खाने से नहीं रोक सकती। अब तो सोनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सांप की दोनों आंखें फोड़ देती है। सांप अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बचाओ। और फिर चिड़िया अपनी चोंच से मार मार कर उसे लहूलहान कर देती है और फिर सांप मर जाता है। अगर मैं अपने अंडों पर कपड़ा डालने ना आती तो आज मेरे अंडे मेरे पास ना होते, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने अंडों का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।